Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another gameplay video. So guys, आज मैं कैसे गेम को खेलने वाला हूँ जिस गेम का नाम है Pink Monster Life Challenge 7. एंड मैं बता देता हूँ भाई कि इस गेम को मैंने कभी नहीं खेला और ये एक हॉरर गेम है और इस गेम का जो स्टोरी है और इस गेम के अंदर में सीन क्या होने वाला है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है. मतलब इसके अंदर में क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे वहाँ से कैसे एस्केप करना है और मैं वहाँ पर कैसे फंसा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस गेम के बारे में. तो इस गेम को आज मैं फर्स्ट टाइम खेलने वाला हूँ, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए गेम को स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट गाइज, तो फिलहाल हम लोग का गेम भाई यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड अभी पता नहीं भाई मैं कहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ, ये कौन सा जगह है मुझे बिल्कुल नहीं पता. और आगे भाई कोई मेंढक जैसा पता नहीं भाई ये कौन है, तो शायद ये किसी का इमेज है. ओके, तो अभी पता नहीं भाई ये बहुत बड़ा जगह है मैं बता रहा हूँ. और भाई मतलब यहाँ से मैं कैसा स्केप करूँगा भाई, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है टाइम लगेगा या क्या होगा पता नहीं भाई. और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे दरअसल यहाँ पर करना क्या है. एक सेकंड, यहाँ पे मिशन है गेट द रिमोट. ओके, मुझे कहीं से कोई रिमोट ढूंढना है भाई, इतना मुझे हिंट मिल चुका है यहाँ पे. ओके, एक्टिवेट बटन. ओ भाई मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ मुझे यहाँ पे करना क्या है भाई, मुझे एक रिमोट ढूंढना है ठीक है और उसमें कुछ बैटरीज लगाने हैं. बट एक सेकंड, आगे कुछ है यहाँ पे, क्या है ये? ओके, मुझे यहाँ पे एक रिमोट मिल चुका है, अभी मुझे दो बैटरीज उसमें ढूंढने होंगे और भाई इस रिमोट में हमें लगाना है. उसके बाद क्या करना है पता नहीं भाई, क्या होने वाला है इससे. इससे तो मैं टीवी तो चला नहीं सकता हूँ मुझे इतना पता है. कोई शायद कोई गाड़ी वाड़ी चलाना है क्या, पता नहीं क्या होने वाला है. एक सेकंड, आप लोग यहाँ पे दीवार पे देखो यार, क्या ही मतलब यहाँ पे खतरनाक खतरनाक फोटोज लगे हुए हैं, मतलब इमेज बना हुआ है. शायद ये लगता है मुझे सभी मॉन्स्टर का है जो इस गेम के अंदर में है. और यहाँ पे मुझे हिंट मिल चुका है कि एक बैटरी यहाँ पे है. ओके, बट इसके लिए मुझे कुछ चीज़ चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कोई स्ट्रांग हमें चीज़ चाहिए जिससे मैं इस ग्लास को तोड़ सकूं. एक सेकंड, इधर कुछ दरवाजे हैं, इसको देखता हूं. ओ ये बाथरूम है, इसमें कुछ नहीं है भाई. इसको ओपन करता हूं मैं, इधर देखता हूं इसमें भी कुछ नहीं है. ओके, और अभी इसको ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ. ओ यहाँ पे मुझे क्रोबार मिल चुका है. चलिए भाई इस क्रोबार को लेते हैं और जाके भाई उस सेफ बॉक्स को तोड़ते हैं जो कि भाई ग्लास का बना हुआ है. ओके, ये रहा अपना ग्लास का ओके सेफ बॉक्स, इसे हमें तोड़ना है. इसके अंदर से भाई हमें एक बैटरी मिल चुकी है. ओके, तो और एक बैटरी हमें ढूंढना है जो कि पता नहीं कहाँ से मिलेगा, बट हमें ढूंढना तो पड़ेगा. अदरवाइज पता नहीं इस रिमोट का यूज़ क्या है, सबसे पहले मुझे वो समझना होगा भाई. सबसे पहले मैं बैटरी को ढूंढता हूँ. तो इधर तो मैंने देख लिया था. एक सेकंड, वहाँ पे कुछ चमक रहा है, शायद वहाँ पे कोई चीज़. ओ यहाँ पे एक बैटरी है भाई, मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया था कोई हमें बैटरी देखने को नहीं मिला था. यहाँ पे ड्रोन मैनुअल. ओके, तो अभी कोई ड्रोन पे हमें मतलब कोई ड्रोन को चलाना है. ओके, मैं ड्रोन पे बैठ चुका हूँ और अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे इस तरफ चलता हूँ. ओ यहाँ पे एक बटन है ऊपर में, शायद इस ड्रोन का यूज़ है कि ऊपर जो मेरा हाथ जहाँ तक नहीं पहुँचेगा वैसे ड्रोन के थ्रू मैं वहाँ पे जा सकता हूँ और सभी दरवाजे को ओपन कर सकता हूँ. ओके, ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है यार. तो अभी ये दरवाज़ा भाई ओपन हो चुका है, मैं इसके अंदर में जाता हूँ. ओके, तो मैं इसके अंदर में आ चुका हूँ. बाकी ओ यहाँ पर कोई लॉक है, कोई यहाँ पर ट्रैप है, ये बोल रहा है कि मैं इसको यहाँ से भाई बाहर निकालूँ. तो इसके लिए मुझे करना क्या है, इसके लिए ये बोल रहा है कि ड्रोन पे चढ़ के मुझे कुछ करना है. एक सेकंड, यहाँ पे एक ग्लास का विंडो है, इसे मुझे सबसे पहले तोड़ना होगा. तो अगर मैं इस ड्रोन के थ्रू अगर मैं जाता हूँ, हाँ इसके थ्रू ही हमें जाना होगा क्योंकि विंडो तक मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा. तो अभी मैं इसको सबसे पहले तोड़ना होगा, तो मैं इसको तोड़ता हूँ यहाँ पे. ओके, मैंने भाई इसको तोड़ दिया है और अभी मुझे इस बटन को यहाँ पे प्रेस करना है. चलिए भाई, मैंने इसको प्रेस कर दिया है. अभी जो दरवाज़ा यहाँ पे अनलॉक हो चुका है और भाई ये यहाँ से बाहर निकल चुका है. ओके, तो अभी एक सेकंड, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और मुझे डर है कहीं ये नहीं, मुझे लग रहा है अच्छा आदमी है भाई और ये मुझे हेल्प करेगा. ओके, ये बोल रहा है कि ये मुझे हेल्प करेगा यहाँ से एस्केप करने में भी और एक छोटा सा बच्चा है उसको ढूंढने में भी. तो ये बोल रहा है कि ये ऑफिस की ओर मुझे लेके जाएगा, तो इसको मुझे फॉलो करना होगा और जो जो ये मुझे टास्क बताएगा भाई उसको हमें कम्प्लीट करना होगा. अगर मैं इसके बताए हुए सभी टास्क को अगर मैं कम्प्लीट करता हूँ तो हम लोग यहाँ से अच्छी तरीके से एस्केप कर लेंगे. शायद इसको एक्सपीरियंस है और इसको भाई यहाँ पे ट्रैप करके रखा है तो सभी चीज़ें इसको पता है, ये हर रोज़ देखता है यहाँ पे. तो ये मुझे क्या बताएगा अभी, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक सेफ बॉक्स है. ओके, तो उसके लिए मुझे कुछ लाइट्स ढूंढने होंगे और उस लाइट को मुझे इस सेफ बॉक्स में लगाना है. तो देखते हैं कितना यहाँ पे टोटल लाइट हमें ढूंढने हैं. टोटल हमें चार लाइट ढूंढने हैं. ओके नहीं, पांच लाइट ढूंढने हैं भाई, पांच लाइट. तो चलिए फटाफट से फाइव जो लाइट है उसको हमें ढूंढना है, बल्ब ढूंढने. एक लाइट हमें यहाँ से मिल चुका है, तो फटाफट से मैं इसको जाके सेफ बॉक्स में लगा देता हूँ. ओके भाई, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है. अभी मुझे और चार ढूंढने होंगे. एक तो भाई यहाँ पे चेयर पे रखा हुआ है, इसको मैं ले लेता हूँ और अभी जाके मैं इसको उस सेफ बॉक्स पे लगा देता हूँ. देखता हूँ ये लगेगा यहाँ पे. ओके, ये लग चुका है. अभी एक सेकंड, यहाँ पे भी एक है बट इसको मैं ले नहीं पा रहा हूँ इस तरफ से, शायद इधर से मैं इसको ले पाऊंगा. एक सेकंड, इसको मैं उठाता हूँ. नहीं उठ रहा है भाई, यहाँ पे हिंट बार बार आ रहा है कि मुझे इसको उठाना है बट इसको मैं उठा नहीं पा रहा हूँ. एक सेकंड, अभी ओके, ये मेरे हाथ में आ चुका है. अभी मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ. चलिए भाई, मैंने इसको लगा दिया है. अभी मुझे और दो ढूंढने, एक यहाँ पे गिरा हुआ है, मैं इसको उठा लेता हूँ. ये पिंक लाइट है. ओके, तो मैंने इस लाइट को भाई यहाँ पे उठा लिया. अभी फटाफट से जाके मैं इसको इस सेफ बॉक्स में लगाता हूँ.
एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। चलिए भाई मैंने इसको लगा दिया और एक मुझे लाइट ढूंढना है। एक अगर मैं ढूंढूंगा तो अपना जो पजल है अपना जो टास्क है कंप्लीट होगा। तो ओके यहाँ पे मुझे उस ड्रम के ऊपर दिख चुका है बट मैं यहाँ पे चढ़ पाऊँगा शायद मैं यहाँ पे चढ़ सकता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास जंप करने का ऑप्शन है। ओके यहाँ पे मैंने जंप करके इसके ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ। चलिए भाई मैं इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे ग्रीन लाइट भाई यहाँ पे मिल चुका है और इस ग्रीन लाइट के थ्रू ही अभी अपना जो माई सेफ बॉक्स है वो ओपन होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है क्या मिलने वाला है वहाँ से? मुझे लगता है शायद मुझे कोई की मिलेगा या कुछ भी मिल सकता है भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने इस गेम को कभी खेला नहीं है। ओके तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी क्या करना है, अभी मुझे सभी कलर्स को भाई मतलब एक लाइन पे लाके इसको रोटेट करना है। ओके तो चलिए फटाफट से सभी को रोटेट करके इसको अच्छी तरीके से एक लाइन पे इसको लगाते हैं। और हमें हिंट मिल चुका है कि सबसे ऊपर रहेगा रेड, बीच में रहेगा पिंक और लास्ट में रहेगा भाई ग्रीन। ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन बनेगा एंड उसके बाद अपना जो भाई ये सेफ बॉक्स से ओपन होगा। तो रेड को हमें ऊपर में रखना है तो इसको इस तरफ घुमाते हैं। एक सेकंड, अभी मुझे इसको फिर से घुमाना है। ओके अभी मुझे इस वाले को घुमाना है। ओके मुझे इसको अच्छे तरीके से रोटेट करना है। ओके तो अभी और एक बार मुझे इसको रोटेट करना होगा। और एक बार मैं इसको करता हूँ, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, अब इसको रोटेट करते हैं। ओके इसको मैंने रोटेट कर दिया, अब मुझे इसको भाई रोटेट करना होगा। ओके जो रेड वाला जो भाई कलर है वो एक लाइन पे आ चुका है, एक सेंटर पे आ चुका है। अभी मुझे बीच में रखना है, हाँ पिंक, पिंक मुझे बीच में रखना है। तो उसके लिए मुझे इसको एक बार रोटेट करना है और एक बार मुझे करना है इसको, और एक बार मैं इसको रोटेट करता हूँ, अभी भी नहीं हुआ है, और एक बार मुझे इसको रोटेट करना होगा। चलिए भाई और एक बार मुझे इसको रोटेट करना है, तो इसको और एक बार करता हूँ। चलिए भाई ये रोटेट मैंने कर दिया, अभी इसको मुझे रोटेट करना है और फिर से मुझे इसको करना है। चलिए ओके तो भाई सभी एक लाइन पे आ चुके हैं, अपना पजल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, अपना सेफ बॉक्स भी ओपन हो चुका है और यहाँ से मुझे मिल चुका है एक कार्ड और ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है मैं इस कार्ड को भाई इसको देना होगा, तो मैं इस कार्ड को इसको दे देता हूँ। तो अभी मुझे इसको इसके हाथ में ये कार्ड दे देना है। चलिए इसको दे देता हूँ मैं। ओके मैंने इसको दे दिया, ये बोल रहा है कि गुड जॉब। ओके अभी इसको मुझे फॉलो करना होगा, तो चलिए फटाफट से इसको फॉलो करते हैं। भाई आप लोग को पता ही है कि ये जो जो मुझे टास्क देगा उसको मुझे कंप्लीट करना होगा तभी हम लोग यहाँ से एस्केप कर पाएंगे, अदरवाइज गेम ओवर हो सकता है। तो अभी देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मुझे दरवाजा ओपन करना है। ओके बट उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपन द डोर, यहाँ पे मिशन में ओपन द डोर लिखा हुआ है। तो अभी करना क्या है भाई, ओके इस कार्ड के थ्रू हम लोग को कोई दरवाज़ा ओपन करना है। ओके तो अभी वो दरवाज़ा ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सब दरवाज़ा ओपन होने वाला है क्योंकि भाई जो हमें हिंट में देखने को मिला इस दरवाजे का कलर जो है ब्लू कलर का, बट यहाँ पे सभी ऑरेंज है। मुझे नहीं लगता कि ये सब ओपन होने वाला है, मुझे कोई ब्लू दरवाज़ा ही ढूंढना होगा, ब्लू डोर ढूंढना होगा तभी इस ब्लू कार्ड के थ्रू हम लोग उसको ओपन कर पाएंगे। बट एक सेकंड मैंने इधर, ओ यहाँ पे है, मुझे याद आ रहा था मैंने कहीं पे देखा है और ये रहा भाई दरवाज़ा। कार्ड को मैंने यहाँ पे स्वेप किया और ये अपना दरवाज़ा हो चुका है ओपन और ये अप स्टेयर है, मुझे ऊपर जाना है यहाँ से। ओके तो मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ। बाकी यहाँ पे मुझे करना क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे मिशन में लिखा हुआ है ओपन द डोर। तो भाई मैंने यहाँ पे डोर तो ओपन कर लिया है बट यहाँ पे मुझे करना क्या है भाई। ओके तो अभी मुझे यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा, अभी आप लोग देखना यहाँ पे हिंट भी हम लोग को दिखाया जाएगा। यहाँ पे एक बटन है, ओ यहाँ पे एक बटन है, इस बटन के ऊपर हमें चढ़ना है और ड्रोन के थ्रू हमें एक दरवाजे के पास जाना है और वहाँ पे जो बटन है उसको हमें प्रेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ। ओके मैं यहाँ पे खड़ा हो चुका हूँ एंड अभी मुझे ड्रोन का यूज़ करना है, बट सबसे पहले मैं देख लेता हूँ भाई कि वो दरवाज़ा है किधर, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा यहीं पे खड़ा होकर देख लेता हूँ। भाई मैं सबसे ऊपर में हूँ तो अभी यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो इधर तो ये दरवाज़ा मैंने ओपन कर लिया, इधर भी भाई ओपन है, हर तरफ ओपन है, इधर भी मैंने ओपन कर लिया, सिर्फ एक दरवाज़ा अभी बंद है। तो उसके लिए मुझे अभी क्या करना है, ड्रोन पे चढ़ना है। हाँ तो अभी मिशन तो ओपन द डोर लिखा हुआ है तो मैं ड्रोन पे चढ़ चुका हूँ एंड अभी मुझे यहाँ पे कोई दरवाज़ा मिलने वाला है जिसके ऊपर बटन रहेगा कुछ इस तरह से। तो अभी देखते हैं बटन किधर है भाई, एक सेकंड, ओ यहाँ पे बटन है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, सबसे पहले इसको प्रेस करता हूँ। ओके तो ये अपना दरवाज़ा ओपन हो चुका है एंड अभी सबसे पहले हमें ड्रोन से नीचे उतर जाना है। ओके मैं ड्रोन से नीचे उतर चुका हूँ, बाकी यहीं पे अभी मैं हूँ। तो यहाँ से मुझे दौड़ के जाना है भाई उस वाले कमरे पे जहाँ पे अभी मैंने दरवाज़ा को ओपन किया है और वहाँ पे जाके हमें कुछ प्लेटफॉर्म्स मिलेगा, यानी कि मुझे कुछ बॉक्स टाइप का कोई चीज़ मिलने वाला है एंड एक एक को मुझे ना जंप करके आगे की ओर जाना है और उसके बाद पता नहीं वहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं अभी उसी तरह से चलता हूँ जिस तरह से बताया जा रहा है। ओके कुछ इस तरह से जंप द प्लेटफॉर्म्स, इस तरह से हमें जंप करते हुए आगे जाना है। बट एक यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर जंप करते करते मैं नीचे गिर गया, मतलब कि जो बॉक्सेस है वो भाई हवा में लटक रहा है, अगर मैं वहाँ से नीचे गिर जाता हूँ तो अपना गेम यहाँ पे ओवर हो सकता है। तो थोड़ा सा भाई संभल के हमें आगे की ओर चलना है और शायद मैं, ओ भाई यहाँ पे मैं गिर चुका हूँ भाई, मतलब थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, मतलब कि भाई मैं थोड़ा सा स्लो वहाँ पे जंप किया जिसके कारण भाई मैं वहाँ पे नीचे गिर गया और अपना गेम भाई यहाँ पे ओवर हो चुका है, मैं मर चुका हूँ यहाँ पे। बाकी कोई बात नहीं, मैं बहुत दूर तक भाई पहुँच चुका था
और अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करता तो भाई मैं नीचे नहीं गिरता, अपना गेम वहाँ पे मतलब एंड नहीं होता, ओवर नहीं होता। बाकी कोई बात नहीं, जहाँ पे हम लोग का गेम भाई ओवर हुआ है वहीं से उस गेम को खेलेंगे नेक्स्ट टाइम, और वहाँ से आगे जाएंगे, देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग वहाँ से एस्केप कर पाएंगे या नहीं, सभी चीज़ें हम लोग वहीं पर देखेंगे। बाकी अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।